ये जो एरिया है पूरा, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल आप, कैसे क्या है? ये जो नीचे वाले है ना, ये जी जी, ये केरन है, इसको केरन ही बोलते हैं, उसको केरन बोलते हैं, ठीक है। वो पार चला गया, ये इधर बीच में दरिया ने वाटर लगा दी, हाँ जी, वो भी केरन है, ये भी केरन। कुछ हाँ, कुछ लोग देखिए वो चाय पी रहे आराम से पीओके में, और ये देखिए पैराडाइज लॉज कुछ है वहाँ का उस साइड का, और ये देखिए ये सारी ये पूरी रूट है, और यहाँ पर देखते हैं हम, ये देखिए यहाँ की गाड़ी, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक चचा, तो जी पहुँच चुके हैं केरन, और पाजी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, मजेदार। बॉर्डर पे आ गए बिल्कुल, मतलब नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बात है, और सिर्फ मिलिट्री मिलिट्री दिखती है। कितने चेक पोस्ट क्लियर करी अपनों ने? लगभग 10-8, 7-8 करी, 7-8 पॉइंट है यार, 7-8 होंगे। परमिट होने के बाद भी 7-8 पॉइंट क्लियरेंस मिलने के बाद गाड़ी चेकिंग हर जगह पे, हर जगह गाड़ी चेक हुई है हमारी, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको क्या है केरन। तो ये देखिए ये है पूरा केरन विलेज, मैंने पूरा ज्योग्राफिकली नॉलेज ले लिया है। ये हमारा है इंडिया साइड, ये पूरा इंडिया साइड है, ठीक है। और देखिए वो इंडिया साइड है, ये पूरा इंडिया साइड है, ये पूरा इंडिया, इंडिया इंडिया। वो वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है नीचे, वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, वो इंडिया पूरा, ठीक है। और सामने जो माउंटेन्स है सारे सारे घर, वो सारे पीओके में आ रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं किरण मार्केट की तरफ, और दिखाता हूँ मैं, और दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ के नज़ारे। और ये है केरन का मार्केट, देखिए आज जो जुम्मा है और जुम्मा की नमाज छुट्टी है यहाँ से, और ये है पूरा केरन का मार्केट। और ये है उधर जा रहे हैं, उस साइड में अगर जाएंगे तो भी आगे मार्केट मिल जाएगा, स्कूल है उस साइड में, और अभी हम जा रहे हैं इधर, ठीक है। यहाँ की खूबसूरत बता देता हूँ, ये पूरा एरिया है, ये एरिया है अपना इंडिया का, ये पूरा इंडिया है, और वो पूरे सामने मकान जो दिख रहे हैं वो भी इंडिया में है, और वो एरिया मतलब आपको बता देता हूँ मैं पूरा, वो सामने वाला एरिया आपको वो है पीओके का, आगे जाके और भी मैं फुटेज बताऊंगा आपको। पाजी हाँ जबरदस्त जगह, तो पाजी बता रहा हूँ मैं आपको, ये है हम अभी इंडिया में, पाजी अपने और इतना पास से यार, गजब गजब गजब, ये पूरा इंडिया है, ये पूरा इंडिया है, ये पूरा इंडिया, ये नदी के पार जो है ये पीओके है, ये पीओके है, ये पीओके, मैं झूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये पीओके है पाक अधिकृत कश्मीर, और ऊपर का पूरा एरिया वो भी पीओके है, वो पूरा बहुत वो एरिया थोड़ा सा डेवलप ज़्यादा है हमारे कंपेयर में, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर कोई लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आज फ्राइडे भी है, जुम्मा भी है, लोग घूम रहे भी उधर थोड़ी दूर दिख रहे हैं। चलते हैं आगे की ओर, और विलेज को मैं पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा आपको, किरण को, इंडिया साइड वाले, इंडिया साइड वाले को। और ये देखिए यहाँ पे अच्छा खासा स्नोग्रा है, विंटर में अभी हम आए हैं ये नदी, और वहाँ तक आगे जाएंगे, हम जाएंगे पूरा इंडियन पोस्ट ऑफिस तक जाएंगे। और ये देखिए देखिए यार क्या जबरदस्त जगह, वहाँ पर सामने तो बसें भी चल रही है यार, वहाँ मैंने अभी पाकिस्तान पीओके की बस को जाते हुए देखा, ये पूरा देखो माउंटेन पूरा पीओके का ही है पूरा, और वो बहुत अच्छा अच्छा खासा डेवलप भाई, वो वाला एरिया है ना वहाँ, और हमारा इधर तो इतना डेवलप नहीं है, बट उधर तो ऐसा है कि पक्की सड़कें भी है, पक्की सड़कें भी, रोड वोड भी बढ़िया है, टावर भी लगे हैं वहाँ पर, टावर भी लगे मतलब इधर इतनी डेवलपमेंट है नहीं, सही बात है, बट गवर्नमेंट अब बहुत इनिशिएट ले रही है, इंडियन आर्मी बहुत इनिशिएट ले रही है ताकि यहाँ पे पक्की सड़कें बने, बीआरओ बहुत इनिशिएट ले रही है, सही बात है, तो आने वाले टाइम में बहुत टूरिज्म बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला। तो लेकिन यहाँ की मतलब बहुत ही अलग वैली है यार, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार, मतलब क्या बताएं आपको, हम अभी पहले उधर जाएंगे, फिर हम आपको उधर से भी ले जाएंगे, उधर से भी दिखाऊंगा मैं, वहां से पूरी वो रोड वोड दिखती है पीओके की। तो जी अभी हमें मिले हैं अंकल, और अंकल यहाँ के लोकल है किरण के, यहाँ ये ऊपर पोस्ट ऑफिस है, और ये पूरा एरिया पीओके का है सामने का, ठीक है। तो अंकल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस एरिया में इधर आ जाइए थोड़ा सा आप, हाँ ये जो एरिया है पूरा, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल आप, हाँ कैसे क्या है? ये जो नीचे वाला है ना, ये जी जी, ये केरन है, इसको केरन ही बोलते हैं, उसको केरन बोलते हैं, ठीक है। वो पार चला गया, ये इधर बीच में दरिया ने वाटर लगा दी, हाँ जी, वो भी केरन है, ये भी केरन है, और जो वादी है, हाँ जी, इसको नीलम बोलते हैं, वादी नीलम, फिर इसी के नाम पर सारे एरिया को वादी नीलम रखा है, तो मतलब वो केरन को वादी नीलम बोला जाता है अभी, ये नीलम बुनियादी यही नाम है, ये जो है ना, हाँ हाँ, इसका नाम है नीलम, पुराना नाम नीलम, नीलम नीलम, अब पाकिस्तान वालों ने इस पूरे को रख दिया है वादी नीलम, वादी नीलम,
ठीक है। और ये पूरा सामने जो लोग घूम रहे हैं ये केरन है, पर वादी नीलम ही कहते हैं इसको। जी जी सब जी जी। और अपना इंडिया का ये पूरा, ये अपना इंडिया। हाँ, पर इंडिया वाला मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया वाला ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर इंडिया ये डेवलपमेंट कम है इधर। यहाँ सामने दिखाई देने में दिखाई देता है, इधर कम ही है, कम दिखता है। टूरिस्ट का हो गया रश तो उन्होंने कर बनाया, पहले उसकी भी यही हालत थी। कितने साल से हुआ डेवलप उधर? लगभग 5-10 साल से। 10 साल से टूरिस्ट बहुत आता उधर। ठीक है ठीक। और नीलम इसे नदी का नाम क्या है? किशन गंगा। दरियाए किशन गंगा। और ये उधर का जो एरिया कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो चक? यहाँ से नियरेस्ट सिटी कौन सा सबसे पास? 8 मुकाम है कोई जगह। 8 मुकाम? 8 मुकाम मुजफ्फराबाद था। हाँ हाँ, अब 8 मुकाम है। 8 मुकाम है। ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक। और वहाँ के वहाँ वो तो पूरा ऊपर बहुत पॉपुलेशन दिख रही है, पूरा कस्बा है, टाउन है वो। चलिए क्या नगदर नकदर ये हो गया नीलम, ये हो गया केरन, केरन हो गया। चलिए हम भी उधर ही चल रहे हैं आपसे बात करते करते। तो जी हमें अंकल ने बहुत सारी यहाँ की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, बहुत ही अच्छा लगा अंकल से मिलके। और बहुत ही शानदार, मतलब ये वादी इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है यार। इंडियन गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है किरण का, तो उसको सैल्यूट कहूँगा। और यहाँ तक कुपवाड़ा से पहुँचने में भी विंटर में हमें लगभग 3-4 घंटे लगे। समर में आप आ रहे हैं तो ईजिली आप आ जाएंगे, लेकिन लेकिन ये जो माउंटेन पास है इसको क्या कहते हैं? ये ऊपर पहाड़ है ऊँचाई फरकियान गली। और 5-4-5 चेक पोस्ट है वहाँ पर क्रॉस करने में। हाँ चेक पोस्ट है। आपकी कितने एज है अंदर? क्या क्या करते थे काम आप यहाँ पर? ओके, गवर्नमेंट टीचर थे आप? जी जी। ओके, इसलिए 2005 में। यहाँ की बेसिक एज क्या, मतलब लोग कितना जीते हैं यहाँ? 80-60-70-80 तक। 80 तक ही? 80 तक जाते हैं। 80 तक जाते हैं। हाँ जी। और अब यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस है जी, आप कहाँ जाएंगे? ऊपर? ऊपर मकान, वो ग्रीन वाला? नहीं, इधर मकान है। ठीक है अंकल, मिलते हैं, खुदा हाफिज़। अच्छा, मेरा नाम नईम अहमद है, उदयपुर राजस्थान से। इनका है सिमरनप्रीत सिंह। मेरा हाजी रईस खान। हाजी रईस खान जी, मजाज खान मेरा लड़के। हाँ जी, वो नंबरदार है इधर का। ओके ओके जी। तो उधर ऊपर हमने भी रेस्टोरेंट एक बनाया, बना रखा आपने रेस्टोरेंट? भी आते हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम तो पहले यहाँ तक लास्ट जा पाएंगे हम, पोस्ट ऑफिस तक? आगे आगे तक रोड से जाए आपकी मर्जी है। हाँ, दरिया के किनारे जाए आपकी मर्जी। अच्छा, व्यू कहाँ से दिखेगा मस्त वाला? पीछे से कोबरा पॉइंट वहाँ तक जाएंगे हम। ठीक है, तो कोबरा पॉइंट। और ये वाला ये हो गया ना केरन, उधर जाने से मतलब है क्या? उस साइड में अगर जाए हम तो वहाँ पर तो हमारा है ना वो? नहीं, वो अपना नहीं, वो अपना है नहीं। ये वाला तो उनका है। उनका है, ठीक है। और उधर जाए तो वहाँ से पास थोड़ी दिखेगा? बिल्कुल, हम देखेगा, मगर बस्ती नहीं है। तो कोबरा पॉइंट पे जाना बेटर रहेगा इधर से। पार वालों की घनी बस्ती है। खुदा हाफिज़ अंकल। ठीक है, मिलते हैं। खुदा हाफिज़। आगे हम यहाँ कोबरा पॉइंट की तरफ जा रहे थे, और यहाँ पर है इंडिया का पोस्ट ऑफिस। आपको जैसे मैंने बताया है कि वहाँ सामने है POK, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको नीलम वैली कहते हैं, वादी नीलम कहते हैं। ये है किशन गंगा और हमें मिले हैं तोफेल भाई, इनका यहाँ पर कैंप है। हाँ, मेरा नाम फ्रेंड्स कैंपिंग के नाम से है, तो यहाँ सामने मेरा कैंपिंग लगता है और मेरा गेस्ट हाउस भी है। हाँ, चले अपने आगे बात करते करते। और ये वाला जो आप देख रहे हैं नीलम वैली का, और हम बोलते हैं इसको किशन गंगा, और पाकिस्तान वाले साइड से बोलते हैं इसको नीलम वैली। ठीक है, तो यहाँ पे जून जुलाई में यहाँ पे कैंप लगते हैं, बारिश से शुरू हो जाते हैं। जून जुलाई में अच्छा क्राउड देखने को मिलता है दोनों साइड से। हाँ, और यहाँ की बहुत ही अच्छी जगह है यार, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ की बॉर्डर जो है दो कंट्रीज को शेयर कर रही है। हाँ, तो ये भी एक अच्छा इंसान। ये रूट कब ओपन हुआ, मतलब 2-3 साल में हुआ कि पहले भी ओपन? इसको हो गए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए ये चल रहे हैं। पहले भी था, लेकिन पहले इसके बारे में किसी को पता नहीं था केरन वैली कैसी है, कैसे जाना है। सही बात है, अभी इसकी परमिशन लेनी पड़ती है करालपुरा से। हाँ, नहीं वो परमिशन सब ले ली हमने, और पूरा ऊपर से चेक को सारे क्लियरेंस लेके फिर आए। मतलब विंटर समर में आप यहाँ पे टेंट लगा देते हो? जी, समर में। ठीक है ठीक है, पूरी कैंपिंग साइड है। हाँ, हाइट क्या है इसका? सी लेवल से भैया, इसकी सी लेवल से क्या हाइट है? ये 4000 फीट है। 4000 फीट के आसपास? ठीक है, तो नहीं तो 4000 फीट से ऊपर होगा। ये जो हमारी टॉप है वो 9600 फीट है, मतलब वो 3500 मीटर में। मीटर में बात करें तो साढ़े वहाँ से नीचे आते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ की हाइट जो है कम है, और यहाँ पे बर्फ भी बहुत कम पड़ती है। स्नोफॉल नहीं होता है? होता है, स्नोफॉल होता है, लेकिन इस साल मुझे लगता है बाकी सालों के बनस्पत कम हुआ, ज्यादा पड़ा। हाँ, कोबरा पॉइंट कौन सा है?
कोबरा पॉइंट आगे पड़ता है। हम जाएंगे, कोई नहीं, हमें जाने ही है। हाँ सारे सेल्फी पॉइंट बना रखे, मतलब बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। क्या भाजी मज़ा आ गया, मतलब अब यहाँ से हम वापस आएंगे तो टाइम लगेगा 2-3 घंटा। जी हाँ, 2 घंटे में थार से तो दो घंटे लगेंगे। अब अभी हमें आइडिया हो गया रोड का, तो हम लग रहा है कि हम पहुँच जाएंगे। हाँ ये पानी की गहराई क्या है यहाँ की, कम दिखती है? अभी तो 3 फीट 4 फीट वही तक रहा है। हाँ नहीं एक्चुअली इसको पार कैसे करेंगे, तो सभी कैमरा वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। हाँ सब सेफली बैठते हैं। हाँ पार करना है, जिसको होगा इतना शौक होगा तो वीज़ा से जाएगा। वो देखो कश्मीर पाकिस्तान, वो आपको दिख रहा होगा कश्मीर पाकिस्तान, उधर लोग बैठे हैं बहुत सारे। उधर का मार्केट भी अच्छा है भाई साहब, उधर का मार्केट ज़्यादा डेवलप है क्या? तो फिर भाई जी हाँ, वहाँ बड़ा मार्केट है और वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर इसे ओपन रखे ना गवर्नमेंट, तो यहाँ ज्यादा टूरिस्ट और भी आ सकता है। जी जी हाँ। अभी तो खुलेगा सर? नहीं खुलेगा, लेकिन समर में आते हैं लोग, विंटर में भी आते हैं। अभी स्टार्ट हुआ ना सर, अभी 20 किलोमीटर रोड आपने देखा होगा खराब है, उस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है 100-150 साल में हो जाएगा उसका भी कम्प्लीट, तो फिर विंटर के लिए आप तो ये समझ लो आने वाले 5 साल में ये बूस्ट होने वाला है। बिल्कुल सर, मेरे को ऐसा लग रहा है। अभी तो जेंट के में पहले नंबर हो गया सर, ये हो गया जेंट में पहले नंबर पे आ गया। हां बॉर्डर एरिया भाई, मुझे बताओ कश्मीर पाकिस्तान। हां बिल्कुल ओके, सामने इंटरनेशनल टूरिज्म दिया इसको। जी अभी इंटरनेशनल हो गया ना, परसों कॉल करनी थी सर। अब धीरे-धीरे आपके नंबर भी आएंगे, सब कुछ आएगा। डिटेल है, किस नाम से चलाते कैंप आप? मेरा राजा टेंट वैली सर। राजा टेंट वैली। टेंट वैली क्या मोबाइल में आपका जो परमानेंट चलता रहे? मेरा परमानेंट सर बता सकता हूं मैं? बिल्कुल बताओ आप। 9149535834। क्या नाम आपका? मेरा नाम जाहिद है सर। जाहिद है आपका? तुफेल भट्ट। तुफेल भट्ट। आपका मोबाइल नंबर? 0510695050। वापस रिपीट कर दो एक बार। फ्रेंड्स कैंपिंग। फ्रेंड्स कैंपिंग 7075106-9505। एक्चुअली ये इसलिए ले रहे हैं डायरेक्ट, इनका भी ले लो भैया। जी मेरा कोबरा व्यू पॉइंट है, आदल ट्रेंड सर्विस 7889891487। इसका रीज़न ये है कि जहाँ जहाँ भी गया तो जो जिसने ये ब्लॉग देखा तो वो बंदा नंबर लेकर कॉल करेगा। यही होता है सर, ये हमारे मतलब एक्चुअली ऐसे ही तो हमारा कॉन्टैक्ट हुआ लोगों के साथ। मैंने सुना कि 8 लाख टूरिस्ट इस एरिया में आए थे पिछले साल। जी 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 हाँ बिल्कुल सही, मैंने सारा डेटा सुना मैंने। जी 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 चले भाई आगे चलते कुपरा व्यू पॉइंट पे, ठीक है वहाँ का नज़ारा बता दो भाई अब तो। ये देखिए जी पाकिस्तान के टूरिस्ट मतलब पीओके के उधर वादी नीलम के लोकल है के टूरिस्ट है भाई ये? हाँ ये टूरिस्ट है सर। चलो ये टूरिस्ट है? नहीं जी लाहौर के, नेत्रोबाद के, अब्दाबाद के, हर जगह के। ओके 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 टूरिस्ट है सर। ये देखिए आप, ये है वादी नीलम पीओके का पाक अधिकृत कश्मीर का, और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ होगा पीओके पाकिस्तान कश्मीर, यहाँ कहीं दिख रहा है मैंने, ये कश्मीर पाकिस्तान। तो जी अभी हम बढ़ रहे हैं कोबरा व्यू पॉइंट। बिल्कुल ठीक है। और भाई जी मतलब भैया मिले हमें मिले हैं और बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हमारी बन गई है, पूरा इस एरिया का डिटेल दे रहे हैं। ठीक है यहाँ से तो बहुत पास है यार भाई। बिल्कुल वो देखो पाकिस्तान वो पीओके की बस आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ पीओके की बस, जूम करके उधर वो देखना, अभी कहीं वो पीओके की बस नज़र आ जाएगी आपको। किधर गाड़ी अभी आ रही है? अभी तो देखिए जी ये पीओके की बस आ रही है, मतलब उस साइड की, वो देखे वो बस जा रही है उधर। इतना ज्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा लेकिन हाँ यहाँ पर नीलम। ये जी वहाँ मुझे ऐसा लग रहा भाई हाईवे बना हुआ। नहीं हाईवे यार वही तो, वो देखे वो बस जा रही है पूरी। हाँ जी ये उनकी जा रही है, कौन सी गाड़ी एसटी में कौन सी है? ये पीओके की कोरोला जा रही है पाकिस्तान की। ये कौन से क्या पता कौन सी ब्रांड है? कोरोला है। ओके ये देखिए पाकिस्तान की गाड़ी हम यहाँ से कैप्चर कर रहे हैं। पुराना मॉडल है ये कोई खाइबा A to Z गेस्ट हाउस है, ये सारे गेस्ट हाउस है पीओके के, और ये उनकी गाड़ी सारी क्वालिस भी दिख रही है यहाँ, तो अलग ही टाइप की गाड़ी यार बस। एक हाँ वो तो एक चाचा बैठे हुए हैं और ये एक अंकल वहाँ बैठे हुए हैं। एक होंडा भी बहुत फेमस है, देखो होंडा की गाड़ी है क्या? होंडा टाटा मिलेंगी। बिल्कुल ये है कश्मीर पाकिस्तान कश्मीर का पीओके कश्मीर का कश्मीर टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड केसर लॉज और कश्मीर टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड इस टाइप से। ये देखिए ये सारा पीओके है, और ये देखिए पूरा अच्छा खासा डेवलप है भाई। ये तो यहाँ तो कुछ नहीं है भाई, ऊपर तो इससे ज़्यादा हो वादी नीलम अपर नीलम अपर नीलम अपर नीलम कहलाती है। ठीक है गाड़ी भी 4x4 दिख रही है सारी यहाँ तो। नीलम वैली ऊपर है सर। हाँ
तो लो जी ये है कश्मीर पाकिस्तान पीओके पाक अधिकृत कश्मीर कहेंगे इसको। मैंने जूम करा है, देखो एक बंदा घूम रहा है। और ये देखिए, ये देखिए यहाँ से जा रहे हैं हम, ये जा रहे हैं यहाँ पर, ये कुछ टूरिस्ट भी होंगे आई थिंक विंटर में। ये पीओके के लोग हैं वादी नीलम के। ये देखिए, ये देखिए मैंने जूम भी करा है थोड़ा सा, ये लोग उधर घूम रहे हैं पीओके के। और ये है किरण वैली। तो हमारे लोकल भाई साहब सारे, तुफेल भाई, आपका नाम भूलिए, जायद भाई, सभी हमें अच्छा खासा किरण को एक्सप्लोर करा रहे हैं। देखिए यार, इतने पास हो, ये एरिया मतलब इतना पास है, मतलब बहुत से ज़्यादा डेवलप है यार अपने यहाँ कंपेयर। गवर्नमेंट को अगर देखना चाहिए कि ये एरिया कितना डेवलप है यार, पूरा डेवलप एरिया है। तो सारी होटल्स है नहीं? हाँ बिल्कुल, पूरी होटल्स। वो देखो उनका बस ही वहाँ पर बहुत गाड़ी रुकती है। आगे भी जाता रोड ये? हाँ। कहाँ जाता है इनका रोड? इनका आगे शारदा, शारदा, शारदा यूनिवर्सिटी, शारदा मंदिर। ओके ओके। तो एशिया की, मतलब हमारे एशिया की पहली, उधर बच्चे खेल रहे हैं भाई, उधर वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जी ये जो है पीछे आप देखें, ये इंडियन साइड का पुराने रेजिडेंस है जो कि लोग छोड़ के चले गए थे पार्टीशन के टाइम, पार्टीशन के टाइम। ओके, सेवेंटी वन में क्या? नाइन्टी में गए। ओके ठीक है। और वो उनका मुजफ्फरबाद में कैंप सब लगे हुए हैं, ये सारी जो है उनकी। ठीक है ठीक है। तो ये देखिए नियरेस्ट पॉइंट है ये सारे को। लो जी इतने पास आ गए हम पीए को के, ये कोबरा व्यू पॉइंट कहाँ पे, मतलब नियरेस्ट यही है। हाँ ये नियरेस्ट है सारा। हाँ, तो हम वहाँ से जाके आप वहाँ से बना रहे हैं। ये देखिए सबसे नियरेस्ट पॉइंट है ये पीओके का। ये देखिए, देखिए पूरा है वादी नीलम पीओके की। और ये देखो गाड़ी खड़ी हुई सब इनकी। अभी है कोबरा व्यू पॉइंट के लास्ट पॉइंट पर, यहाँ से आगे हम नहीं जा पाएंगे। और देखिए यहाँ आगे पूरा जो नज़ारा है वो है पीओके का। यहाँ आपको मैंने दिखाया था सब कुछ नज़र आ रहा है इजीली। वहाँ पर पीओके का फ्लैग लगा हुआ है, पाकिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का, इस टाइप से कुछ। और वो देखो वो रूट जा रहा है, वो कहीं शारदा टेम्पल की तरफ जा रहा है। और ये देखिए पूरा एरिया, पूरा के पूरा एरिया पीओके है। नीलम वैली ऊपर, वादी नीलम है ऊपर भी, बहुत अच्छी अच्छा सा टाउन बना हुआ है। वो ऊपर दिख रहा है आपको घर, वो पूरा टाउन बना हुआ है। और नदी कितना, बहुत कम पानी है यहाँ पर, देखिए बहुत कम पानी है, वाटर लेवल भी बहुत लो है। लोग वहाँ घूम रहे हैं, सामान भर रहे हैं, टूरिस्ट लोज वहाँ पर अच्छे खासे हैं, सब कुछ है वहाँ पर। तो जी इस लोकेंडी में यही करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट करके मुझसे कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं किरण से रिलेटेड, मैं आपको पूरा अपडेट दे दूंगा, यहाँ की कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा अगर आप आना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, टिल देन बाय बाय।